तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू इयर चैनल अकाउंट्स गुरु और आज इस एग्जाम टाइम्स सीरीज में जो कि लिथल वर्कशीट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वहां पर हम कंप्लीट करने वाले हैं डे थ्री चैलेंज और यहाँ हम लेंगे मोस्ट मोस्ट ट्वेल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फोर मार्कर और चैप्टर रहेंगे पार्टनरशिप कंपनी एंड द रेशन एनालिसिस ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आने वाले हैं इसको दो दो बार तीन तीन बार प्रैक्टिस करना ताकि ये लिथल वर्कशीट आपको पीक परफॉर्मेंस दिलवाए आने वाले बोर्ड एग्जाम में सो so, मैं डॉक्टर विकास विजय ऑथर ऑफ टुगेदर विद अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज और आप लोगों के प्यार से रिसेंटली मुझे मिला है रेसिपियंट ऑफ द Amazon Mentor of the Month Award. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ए लव एंड सपोर्ट आई होप ये सीरीज आपको मदद कर रही है शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर टीचर्स मेंटर्स देख रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ ताकि ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है और सब कुछ आने वाला है ये सी में तो आगे सी के लिए भी ऐसा कुछ लेके आएंगे तो शुरू करते हैं आज का डे थ्री चैलेंज और पहला क्वेश्चन है हमारा कंपनी का डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल के ऊपर तो यहाँ पे देख रहे हैं हिंदुस्तान लिमिटेड हैज एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज फिफ्टी लाख ये रुपीज में गिवन है जिसको डिवाइड कर दिया है हमने हंड्रेड ईच में द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर थर्टी एट थाउजेंड शेयर यहाँ पे हमारे फिफ्टी थाउजेंड शेयर थे उसमें से वी हैव इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर थर्टी एट थाउजेंड शेयर लेकिन application कितनी आई है थर्टी थ्री थाउजेंड सो वी आर फोकसर्ड ऑन विदर्स अब इसके अंदर देखेंगे फाइनल कॉल ऑफ ट्वेंटी ऑन थाउजेंड शेयर वॉज नॉट रिसीव ओके सो इस थर्टी थ्री थाउजेंड में हम बात करें सो थर्टी टू थाउजेंड वाले तो ऐसे हैं जो फुली पेड है जिन्होंने सौ रुपए दे दिया और जो थाउजेंड है उनको हम अलग कर लेते हैं कि वो है डिफॉल्टर तो इन थाउजेंड वालों ने क्या किया आपके ट्वेंटी रुपीज फाइनल कॉल में नहीं दिए फाइन अब देखते हैं थाउजेंड मतलब शेयर थे इस पर हमने फोर्टी परसेंट यानी चार सौ शेयर फोरफिट कर दिए कैंसिल कर दिए और अब बचे सिक्स हंड्रेड शेयर जो नॉट येट फोरफिटेड हैं ठीक है उसके बाद लिखा है इसमें लेटर ऑन द फिफ्टी परसेंट दिटेड शेयर वर रीशूड एट रुपीज नाइनटी फुली अप ओके तो यहां पर जो फोरफिट हुए थे ये फोर हंड्रेड शेयर्स इसमें से टू हंड्रेड शेयर्स हमने री इशू कर दिए और वो भी फुली पेड अप नाइन्टी रुपीज फुली पेड यानी अब ये दो सौ शेयर्स भी इस फुली पेड अप कैटेगरी में चले गए तो दो सौ शेयर्स ये भी सौ वाले बन गए हैं तो अब टोटल हो गया थर्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड उस सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैटेगरी में तो आप जानते हैं ये जो कैटेगरी होती है जहाँ पे हमारा टेन का शेयर है मांगे भी टेन और रिसीव भी टेन हो जाए वो होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेडअप और जो दूसरी कैटेगरी होती है जहाँ पर कि अगर हमने Uh, कुछ कॉल्स इन एरियर है या हमने फुली कॉल नहीं किया पूरा पैसा नहीं मांगा जैसे टेन टेन एट तो लास्ट में एट है इसका मतलब दो रुपए एरियर है तो भी ये कैटेगरी आएगी सब्सक्राइब बट नॉट फुली अप या दस का शेयर मांगे ही हमने एट है यानी पूरा नहीं मांगा तो भी ये कैटेगरी आएगी दूसरी वाली सब्सक्राइब बट नॉट फुली अप तो यहां से थाउजेंड में से चार सौ शेयर प्रोफिट हो गए थे बचे थे छे सौ शेयर और जो फो हुए उनमें से 200 सौ शेयर रीशू हो गए फुली फेडअप तो वो 200 सौ शेयर्स यहां पर इस कैटेगरी में वापस आ गए चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है तो अब देखना है इसका मतलब कि 200 सौ शेयर हमारे जो है रीशू हो गए और 200 सौ रीशू नहीं हुए मुझे बताइए ये जो दो सौ शेयर रीशू नहीं हुए टू हंड्रेड शेयर्स नॉट येट रीइू ये लोग कितने रुपए दे चुके थे ये दे चुके थे आपके एट्टी रुपीज क्योंकि सोलह हजार रुपए कहां जाएगा सोचिए बताइए मुझे क्योंकि आपको बैलेंस शीट में दिखाऊंगा तब आपको अपने आप आंसर समझ आ जाएगा कि हाँ ये सिक्सटीन थाउजेंड की ये बात कर रहे हैं तो ये सिक्सटीन थाउजेंड है ये उन शेयर पे है, जो अभी तक क्या है प्रॉफिट होने के बाद रिशू नहीं हुए तो ये अमाउंट अलग से कैटेगरी में आता है शेयर्स फोफिटेड अकाउंट में वो एड कर देंगे सिक्सटीन दूसरा मुझे यह बताइए जो शेयर्स फोफिट नहीं होते 600 शेयर्स इन्होंने ट्वेंटी रुपीज नहीं दिया यानी कि बारह हजार रुपए नहीं दिए ये बारह हजार किस नाम से आएंगे सोच के बताइए बैलेंस शीट के अंदर तो आप बताएंगे सर ये बारह हजार किस नाम से आएंगे कॉल्स इन एरिया के नाम से तो अब शुरू करते हैं बैलेंस शीट ये ये चीज आप नोट कर लीजिए पॉज कर लीजिए और फिर बनाइए बैलेंस शीट फिर देखते हैं मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा बैलेंस शीट में हमने सबसे पहले क्या देखना है शेयर कैपिटल और ये वाला जो अमाउंट है ये सबसे बाद में निकालेंगे हम लोग ये वाला अमाउंट देखेंगे कैसे आया बाद में देखेंगे हमारे पास टोटल थे फिफ्टी थाउजेंड शेयर्स ऑफ रूपीज हंड्रेड तो ऑथराइज कैपिटल उसमें से हमने इशू किए थे थर्टी एट थाउजेंड के वो हमारा इशूड कैपिटल था एंड देन हमारे पास टोटल जो मैंने कहा था थर्टी थ्री थाउजेंड में से थर्टी टू थाउजेंड तो हमारे पास थे जिन्होंने पूरे पूरे हंड्रेड दे दिए हैं तो वो हम पूरा हंड्रेड दिखा देंगे यहाँ पे हंड्रेड और अब जो शेयर्स रीइू हो चुके थे दो सौ शेयर्स को हमने रीशू कर दिया था फुल्ली पेडअप मैंने बताया था आपको ये टू हंड्रेड शेयर जो रीश हो चुके हैं ये भी यहां पर फुल्ली अप में तो ये भी 200 सौ शेयर ऐड कर दिया इन सो so, तो थर्टी टू लैक ट्वेंटी थाउजेंड बात करते हैं नीचे वाली कैटेगरी की जो सब्सक्राइब बट नॉट पेड अप था वहां पे मैंने आपको बताया था टोटल शेयर थाउजेंड थे चार सौ फोफिट हुए थे तो इस थाउजेंड शेयर में से चार सो हम फॉफिट कर चुके तो हमारे पास बचे हैं छे सौ शेयर जिन्होंने पैसा नहीं दिया और अभी तक फोफिट नहीं हुए तो ये इंटू हंड्रेड आ गया सिक्सेंड इन छे सौ ने आपको क्या नहीं दिया ऑन दिस सिक्स हंड्रेड शेयर दे हैव नॉट पेड यू द ट्वेंटी रुपीज फाइनल कॉल तो कॉल्स इन एरिया के नाम से अभी भी आएगा तो जो शेयर्स अभी तक प्रोफिट नहीं हुए वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैटेगरी में रहेंगे सिक्स हंड्रेड शेयर लेस कॉल्स इन एरिया बारह हजार और जो 200 हंड्रेड शेयर्स अभी तक आपके री नहीं हुए थे फोर के बाद उनका जो फोर फिटेड अमाउंट है वो है एट्टी रुपीज वो एड हो जाएगा जो मैंने कहा था 16,000 थाउजेंड तो नेट अमाउंट आ गया सिक्सटी फोर थाउजेंड तो टोटल अमाउंट जो आपका आएगा सब्सक्राइब कैपिटल का थर्टी टू लाख ट्वेंटी थाउजेंड प्लस सिक्सटी फोर थाउजेंड थर्टी टू एटी फोर और ये है हमारा आंसर तो ये हमारा आंसर है थर्टी टू लाख एटी फोर सो ये रहा क्वेश्चन वन का आंसर आई होप आपको समझ आ गया मगर आगे बढ़ने से पहले जो अभी हमारा आंसर आया है वो चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट में वो थर्टी टू लाख एटी फोर जो आया इसका मतलब हमारा टोटल जो आना था वो था हमारे पास थर्टी थ्री थाउजेंड इंटू हंड्रेड रुपीज़ थर्टी थ्री लाख लेकिन हमने रिसीव किया थर्टी टू लैक एटी फोर शो किया है बैलेंस शीट में एज अ सब्सक्राइब कैपिटल तो डिफरेंस आ रहा है सोलह हज़ार रुपये यानी सिक्सटी थाउजेंड कम कैपिटल दिखा है तो ये सोलह हज़ार कम कैसे आया ये भी आप समझ लीजिए ताकि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी तो देखते हैं ये सिक्सटीन थाउजेंड का इफेक्ट कहाँ से आया तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास था कि थाउजेंड शेयर्स वालों ने पैसे नहीं दिए थे उसमें से हमने क्या किया था चार सौ फो फिट कर लिए थे छः सौ फो फिट नहीं किए थे यानी इस टू हंड्रेड में से इस चार सौ में से दो सौ हमने रीशू कर दिए तो वो तो हमारे ऊपर ऐड हो गए यहां पर बट जो अभी तक दो सौ हमने रीशू नहीं किए थे इन टू हंड्रेड शेयर्स पे अगर देखें तो सौ रुपए हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया था इस फो फ्यूचर में चार सौ में से तो हमारा बीस हजार का नुकसान हो गया था कि ठीक है हमारा बीस हजार कैपिटल हमने कम कर दिया जो शेयर्स रीशू नहीं हुए मगर फोफिट हो चुके थे बट इसी टू हंड्रेड शेयर्स पे एटी रुपीज़ वो पे कर चुके हैं इसी 200 हंड्रेड शेयर्स पे वो 80 पे कर चुके हैं 16,000 आ चुका है तो नेट जो हमारा है वो सिर्फ 4,000 का कैपिटल रिड्यूस हुआ है उन शेयर्स पे जो अभी तक फोफिट होने के बाद रीशू नहीं हुए दोबारा से समझते हैं जो फो, 400 फोर हंड्रेड हुए 200 हंड्रेड शेयर्स रीशू हो गए वो तो फुली पेड में आ गए पूरा 20,000 आ गया बट ये जो अभी तक नॉट री हैं इनकी बात करें तो हमने इस 400 में ये 200 माइनस कर लिए और सौ रुपये के हिसाब से 20,000 हमने कैपिटल को गिरा लिया बट इन पे ऑलरेडी कितना रिसीव हो चुका है एट्टी रुपये रिसीव हो गया तो हमने 80 को ऐड कर लिया सोलह हजार रुपये हमारा रिसीव हो चुका है तो नेट अमाउंट जो हमने नहीं रिसीव किया वो है चार हज़ार रुपये तो ये तो हो गई बात दो सौ की और इन सिक्स हंड्रेड शेयर्स पे देखें सिक्स हंड्रेड शेयर्स इन टू हंड्रेड सिक्सटी थाउजेंड था बट इसमें से कॉल्स है सिक्स हंड्रेड इंटू ट्वेंटी बारह हजार रुपए तो इन 600 सौ शेयर पर हमारा नुकसान कितना है बारह हजार रुपए का जो नहीं आया तो कुल मिलाकर सिक्सटीन थाउजेंड हमारा नहीं आया था वही 16,000 हमने माइनस करके थर्टी टू लैख एटी फोर दिखाया तो आई होप आप आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई है किस तरह से थर्टी टू लैख एटी फोर आया चलिए अब फाइनली बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ अकाउंट्स थ्रू काउंसलिंग सर्विसेज लिमिटेड कंपनी प्रोवाइड इट्स एजुकेशनल सर्विसेज नॉर्थ इंडिया अब उसकी ग्रोथ हो रही है साउथ इंडिया के अंदर तो यहाँ पे ज़्यादा पैसा चाहिए उसमें 60 लाख रुपी की जरूरत है और यहाँ पे हमने 11% परसेंट 200 टू का पार पे इशू कर दिया टू बी रिडीम एट फाइव प्रीमियम आफ्टर सिक्स ईयर और कंपनी के पास बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम में ऑलरेडी सिक्सटी थाउजेंड का तो यहां पर अगर हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे तो रुपीज सिक्सटी लाख डिवाइड बाय टू हंड्रेड करेंगे बात ही आती है सीबीएसई सैंपल पेपर पे में भी क्वेश्चन है अगर यहां पे पार की जगह लिखा होता प्रीमियम पे इशू किए हैं प्रीमियम तो यहां पर अगर टेन परसेंट प्रीमियम होता तो टू हंड्रेड प्लस ट्वेंटी रुपीज़ टू ट्वेंटी तो हम टू ट्वेंटी से डिवाइड करते सिक्सटी लाख को कई बच्चे बोलेंगे सर कभी भी हम जब भी डिवेंचर्स या शेयर्स रुपीज़ में गिवन होते हैं कभी भी प्रीमियम मिला के डिवाइड नहीं करते हम सिर्फ फेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान रखना हमें फंड टोटल सिक्सटी लाख का चाहिए तो वो इंक्लूडिंग प्रीमियम सिक्सटी लाख आना चाहिए तो इस सिचुएशन में हम वन से डिवाइड करेंगे बट जब आपको डिवेंचर्स की फेस वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है शेयर की फेस वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है तो उस सिचुएशन में हम यहां से डिवाइड करते हैं टू से नहीं करते ये जो 60 लाख है इट इट इज़ इज़ नॉट द फेस वैल्यू ऑफ फंड रिक्वायर्ड तो हमेशा ध्यान रखें जब भी फंड रिक्वायर्ड गिवन हो डिवाइड करना है इशू प्राइस अगर डिस्काउंट टेन परसेंट और सौ का डिवेंचर है तो नाइन्टी से डिवाइड करेंगे पार है तो सौ से अगर सो का डिबेंचर है टेन परसेंट प्रीमियम है तो वन टेन से डिवाइड करेंगे तो फंड रिक्वायर्ड में डिवाइड करना है इशू प्राइस से जैसे कि वेंडर वाला क्वेश्चन होता था जो हम एसेट लेते थे, थे और उनको डिचर्स देते थे वहां भी हम इशू प्राइस से डिवाइड करते थे बट जब फेस वैल्यू गिवन हो शेयर डिवेंचर्स की तब हम uh, सिर्फ फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे प्लीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है चलिए अब आपको क्या करना है ये आंसर करना कि आपको एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ लॉस ऑन इश्योर डिवेंचर कितना होगा और एंट्री बनानी है लॉस ऑन इश्योर डिवेंचर की तो देखिए पहले क्वेश्चन का तो सीधा सीधा आंसर है क्योंकि पार पे है तो रुपीस सिक्सटी लाख आपने रिसीव किया होगा तो आंसर है सिक्सटी लाख वट विल बी द लॉस ऑन इशू डिबेंचर अब सिक्सटी लाख का फाइव परसेंट निकाल लीजिए वो लॉस है क्यों रेडीमेड प्रीमियम डेबिट होता है लॉस ऑन इशू के नाम से तो वो रहेगा फाइव परसेंट थ्री लाख रुपीज तो ये है थ्री लाख एंड वट जनरल एंट्री यू विल पास टू राइट ऑफ अब देखिए थ्री लाख में से एट्टी थाउजें तो सिक्योरिटी प्रीमियम है बाकी का जो बच गया आपका टू लाख ट्वेंटी थाउजेंड वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से आप निकाल लेंगे तो एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ पी एनल डेबिट टू लॉस ऑन इशू और सोल्यूशन आप कर लीजिए पॉज कीजिए और फिर हमारा सोल्यूशन देखिए यस yes. ये तीनों आंसर जो बताए हैं मैंने आपको वो तीनों आंसर यहां पर है आई होप आपका आंसर मैच कर गया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री टीचिंग पॉइंट इज इंटरेस्टेड टू नो द रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट ये रेशियो का क्वेश्चन है द कंपनी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो द दट पोर्शन ऑफ द टोटल एसेज लॉन्ग टर्म डेट्स नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अब देखिए यहां पे आफ्टर इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स भी है कई बार आफ्टर इंटरेस्ट और यहाँ बिफोर टैक्स लिख देते हैं तो बच्चे फर्स्ट जाते हैं ये दोनों आफ्टर हैं करंट एसेट फोर लाख है करंट लाइबिलिटीज टू लाख है एंड टैक्स रेट ट्वेंटी परसेंट फिक्स एसेट्स सिक्स लाख है और लॉन्ग टर्म डेट्स फोर लाख है ऑन द बेसिस ऑफ देशन कंप्यूट आर ओ सी यानी रिटर्न ऑन कैपिलॉय आर ओ आई एंड द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चलिए आप सॉल्व कीजिए सॉल्व करने के बाद पॉज कीजिए और फिर देखते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आर के लिए हमें चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन कैपिटल कैपिल्ड इंटू हंड्रेड ये आंसर निकल चुका है बट कैसे निकला वो नीचे समझाते हैं सबसे पहले हमें यहाँ गिवन था प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी हम सब जानते हैं कि यहाँ हमारा पी होता है उसमें से लेस करते हैं हम लोग इंटरेस्ट फिर आता है पी फिर पे करते हैं टैक्स और फिर आता है पी ए यानी पैट अब हमें गिवन है ये वाला प्रॉफिट वन लाख हमें निकालना है ये वाला प्रॉफिट तो कैसे जाएंगे यहाँ से यहाँ पहले हम करेंगे एड टैक्स को बट कई बच्चे जो टैक्स की परसेंटेज है ट्वेंटी परसेंट वो निकाल देते हैं इस वन लाख के ऊपर वो ऐसा गलती नहीं करनी चाहिए क्यों क्योंकि टैक्स तो लगता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे तो दो तरीके हैं एक है जो बहुत सिंपल सा ट्रेडिशनल मैथड है एक्स लेके कि मान लीजिए इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के को आपने मान लिया एक्स तो अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ तो टैक्स हो जाएगा ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड एक्स और इन दोनों को माइनस करके इक्वल टू वन लाख तो ये फॉर्मुला लगा दिया एक्स माइनस ट्वेंटी एक्स हमारा आ गया वन लाख ट्वेंटी फाइव जिनको शॉर्टकट चाहिए उनको पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टकट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन हंड्रेड माइनस टैक्स का रेट इन टू हंड्रेड यानी हंड्रेड माइनस ट्वेंटी परसेंट टैक्स था इन टू हंड्रेड और ये और ये आंसर आ गया हमारा वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है ना अब हमें ऐड क्या करना है इसमें इंटरेस्ट ऐड करना और इंटरेस्ट होगा हमारे डिवेंचर्स पे वो है टेन परसेंट तो टेन परसेंट ऑफ फोर लाख इस फोर्टी थाउजेंड और ऐड करने के बाद हमारा आ गया नेट प्रॉफिट जो बिफोर इंटरेस्ट टैक्स वन लाख सिक्सटी फाइव कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे दो फर्मले होते हैं लेबिलिटी साइड से एस साइड से तो यहाँ पर हमने एस साइड से निकाल लिया फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट माइनस करंट करेंट लाइबिलिटी एंड इट इज एट लाख रुपीज़ सो फॉर्मुला हमारा वन लाख सिक्सटी फाइव अपन एट लाख इन टू हंड्रेड ट्वेंटी पॉइंट सिक्स टू परसेंट तो मैच करिएगा हमारे आंसर के साथ क्या आपका मैच कर रहा है और वहीं पर बी पार्ट में हमें इंटरेस्ट कवर रेशियो निकालना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन द फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस यानी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स और वो आ गया हमारा वन लाख सिक्सटी फाइव जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और इंटरेस्ट फोर्टी थाउजेंड भी हमने निकाल लिया था और आंसर इसका हमेशा आता है टाइम्स के अंदर तो आई होप आपने पढ़ लिया और यहाँ पे है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन इन टू हंड्रेड ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें देखना है टोटल रेवेन्यू बट यहाँ पर है ओनली क्रेडिट रेवेन्यू यानी क्रेडिट सेल और कैश सेल इसमें ऐड करनी जो कि है सेवेंटी ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू यानी इसका सेवनटी तो वो हो गया टू तो थ्री लाख ,00 और टू लाख ट्वेंटी फाइव विल बिकम योर फाइव लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टोटल सेल्स और सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो वह सिक्स लाख एटी तो यहाँ पर फाइव लाख ट्वेंटी फाइव तो हमारी रेवेन्यू बन रही है और कॉस्ट बन रही है हमारी सिक्स लाख एटी तो ये तो नेगेटिव में आ रहा है भाई नेगेटिव में आ रहा है तो उसके मतलब ग्रॉस लॉस हो तो ये ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस रेश निकलेगा देखते हैं सोल्यूशन ग्रॉस लॉस आ रहा है वन लाख फिफ्टी फाइव सेल्स हमारी फाइव लाख ट्वेंटी फाइव है तो हमारा ये ग्रॉस लॉस था फाइव लाख ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स एटी एंड दिस इज वॉट जो हमने टू लाख ट्वेंटी फाइव निकाला था कैश सेल तो हमारा आंसर आ गया ग्रॉस लॉस का 29.52 अब देखते हैं प्रोपर्टी रेशियो और प्रोपर्टी रेशियो में क्या है प्रोपर्टी टोटल एसेट्स और यहाँ पे जो हम प्रोपर्टी फंड निकाल रहे हैं उसमें क्या आने वाला है हमारा जो शेयर कैपिटल है पेड अप कैपिटल वो और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस में आया था यानी कि वो एक तरह से हम मान रहे हैं कि वो हमारा रिजर्व सप्लस का नेगेटिव पार्ट है तो नेगेटिव पार्ट हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया सिक्स लाख फोर्टी फाइव थाउजेंड टोटल एसेस में क्या लेंगे टोटल एसेस सीधे सीधे नहीं given, तो हम टोटल लैबिलिटीज को ऐड कर लेंगे एंड टोटल लैबिलिटीज वी ऑल नो इज इक्वल टू द टोटल एसेट्स तो यहाँ पे शेयर कैपिटल रिजर्व सप्लस जो नेगेटिव था ग्रॉस लॉस डिचर्स एंड करंट लैबिलिटी मिला के ट्वेल्ल लाख सेवेंटी फाइव आ गया और रेशियो हमारा हो गया सिक्स लैख फोर्टी अपॉन्ड ट्वेल्ल लैक सेवेंटी फाइव यानी फिफ्टी पॉइंट फाइव एट फाइन तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सुनाओ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में यहाँ पर अगेन uh, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल का ध्यान से पढ़ना इसको

यानी अब वो वाला हो गया टेन का शेयर है एट कॉल्ड अप है तो यहाँ पर वो जो फर्स्ट एडिंग है सब्सक्राइब एंड फुली फुल अप वो नहीं आएगी कुल होल्डिंग फोर थाउजेंड शेयर्स हैं और चारवीं के पास सेवन थाउजेंड शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज टू चारवीं शेयर्स वो फोरफिटेड यानी सिर्फ ये ये वाले शेयर्स फॉरफिट हुए हैं कुनाल के फोफिट नहीं हुए चारवीं शेयर वो फोरफिटेड एंड आफ्टर द फर्स्ट कॉल आफ्टर द फर्स्ट कॉल और बाद में लेटर सिक्स थाउजेंड ऑफ द फोफेटेड शेयर वर रीशूड एट रुपी सिक्स एट कॉल्डअप और बाद में इस सेवन थाउजेंड में से छह हजार शेयर हो गए रुपए सिक्स एट कॉल डॉप यहां भी एट कॉल्ड अप है यहां भी एट अप है सेम कैटेगरी के हैं तो यहां पर जो आपकी फर्स्ट हेडिंग है सब्सक्राइब फर्स्टिंग पेडअप नहीं आएगी तो so, कैसे स्टार्ट करेंगे ऑथराइज लिखेंगे इशूड लिखेंगे और सब्सक्राइब के अंदर हमारी हेडिंग आएगी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेडअप और अगर हम देखें टोटल शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुल पेडअप में कितने थ्री सिक्सटी हमारे पास शेयर थे माइनस हमने सेवन थाउजेंड कर लिए थे और रीशो किए सिक्स थाउजंड तो टोटल शेयर आएंगे हमारे

ऑथराइज के बाद हमारा आता है इशूड थ्री लैख सेवेंटी यानी थर्टी सेवन लैस और सब्सक्राइब कैपिटल में सेकंड हेडिंग आई है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप जैसे मैंने कहा था थ्री फिफ्टी नाइन शेयर्स आएंगे थ्री सिक्सटी माइनस सेवन जो फॉरफिट हैं प्लस इशू और कॉल्ड अप एट है एट के हिसाब से कॉल्स ने रहेगा कुनाल के शेयर जो दो रुपए नहीं दिए एट थाउजेंड रुपीज और एड शेयर्स फॉरफिटेड चार वी का जो थाउजेंड शेयर्स अभी तक इशू नहीं हुए वो मनी एड हो जाएगा और हमारा अमाउंट आ गया ट्वेंटी एट लाख सेवेंटी थाउजेंड एंड दिस इज द फाइनल अमाउंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पर है ये डिजोल्यूशन का क्वेश्चन जहां आपने जनरल एंट्रीज बनानी है और जनरल एंट्रीज में भी आपने शो करना है डिस्कलोजर इन रियलाइशन अकाउंट तो अल अलग अलग ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं और देखिए क्या होगा इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला स्टॉक की बुक वैल्यू है फोर्टी उसमें से सिक्सटी परसेंट एक्स ले गया एट अ वैल्यूएशन ऑफ एट्टी तो पहले फोर्टी में इंटू करेंगे सिक्सटी और उसका वो 80 परसेंट वैल्यू पे ले गया यानी उसके बाद करेंगे इसका 80 परसेंट और वो वैल्यू आ जाएगी रिलेशन के क्रेडिट साइड पे बाय एक्स करके बिकॉज एक्स ले गया रिमेनिंग जो है स्टॉक uh, वो बेचा है 90 परसेंट पर और उसमें पाँच परसेंट हमें सेलमैन को कमीशन भी देना पड़ गया तो अब रिमेनिंग के लिए क्या करेंगे जो 60 परसेंट था वो तो निकल गया अब कितना बचा 40,000 का 40 परसेंट तो 40,000 का 40 परसेंट कर लेंगे इनटू 90 परसेंट पर बेचा है तो 90 परसेंट एंड बाद में माइनस कर देंगे उसका 5 परसेंट कमीशन तो इस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेगी एक बार कर लेंगे तो आपकी हैबिट बढ़ जाएगी अगर एग्जाम में आएगा तो दिक्कत है तो इसको एक दो बार करके जाइएगा वहाँ ईजी लगेगा तो पहले का सोलूशन देखते हैं क्या रहेगा स्टॉक था हमारे पास फोर्टी और एक्स ले गया था इसका सिक्सटी तो फोर्टी को हमने बेच दिया था एक्स कितने में ले गया था एट्टी परसेंट में और बिका है नाइन्टी परसेंट पर तो नाइन्टी परसेंट की वैल्यू हमने इंटू नाइन्टी परसेंट कर दिया और यहाँ पे था सेलिंग कमीशन जो सेल का कमीशन था वो हमने माइनस कर दिया तो नेट अमाउंट आ गई तो मोर ऑफ अ मैथमेटिकल है और अगर कॉन्सेप्चुअल बात करें तो एक्स स्टॉक ले गया तो उसकी एंट्री होती है एक्स टू रिलेशन बाकी बेचा तो उसकी एंट्री होती है कैश टू रिलेशन यानी यहाँ पर एक एसेट पार्टनर ले गया और बाकी को हमने भेज दिया पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट इन्वेस्टमेंट्स है बुक वैल्यू थर्टी थाउजेंड उसमें सेवेंटी परसेंट की हमने सेल कर दी है ब्रोकर को एट 110 परसेंट तो अब 110 परसेंट निकालेंगे पहले 70 परसेंट निकालने के बाद उसमें से माइनस करना है ब्रोकरेज कमीशन एट द रेट ऑफ 2 तो परसेंट फिट टू तो परसेंट माइनस कर देंगे नाउ 50 परसेंट तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 70 परसेंट तो ये ले गया तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी बची 30 परसेंट वो 30 परसेंट करेंगे थर्टी का नौ वो भी ले गया कितने में नाइन्टी के अंदर और बाकी कह रहा है रेस्ट प्रूवड वर्थलेस तो सोल्यूशन देखते हैं हम यहाँ पे थर्टी थाउजेंड का सेवेंटी परसेंट निकाल लिया पहले सेवेंटी परसेंट में बिक गया और यहाँ पे सेवेंटी परसेंट कितने में बिका वन टेन परसेंट में तो पहले सेवेंटी परसेंट निकाला उसका एक सौ दस परसेंट किया एंड देन वी सब्टेक्ट द टू परसेंट ठीक है ना वो माइनस करके हमारा ब्रोकेज टू टू एट आ गया बाकी का जो थर्टी परसेंट था वो थर्टी थाउजेंड का नौ हज़ार है कितने में बिका वो फिफ्टी परसेंट में सॉरी हाफ ऑफ हाफ ऑफ द रिमेनिंग हाफ ऑफ द रिमेनिंग मतलब क्या हुआ जो थर्टी परसेंट था नौ हजार उसका हाफ हुआ साढ़े चार हजार रुपए साढ़े चार हजार रुपए को हमने नाइन्टी परसेंट पे बेचा और फोर जीरो फाइव जीरो आ गया और जो इसका रिमेनिंग बचेगा फोर्टी फाइव हंड्रेड उसकी वैल्यू जीरो है ठीक है ना तो ये समझ लीजिए सेवेंटी परसेंट निकाला उसके बाद जो रिमेनिंग था उसका फिफ्टी परसेंट यानी थर्टी थाउजेंड का थर्टी परसेंट नौ हजार नौ हजार का आधा साढ़े चार हजार को हमने नाइनटी परसेंट पे बेचा और बाकी का रिमेनिंग साढ़े चार हजार उसकी वैल्यू है नील देन देखते हैं डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स हैं फिफ्टी थाउजेंड प्रोविजन है हमारा थ्री थाउजेंड का सिक्सटी परसेंट डेटर्स रिलाइज एट 95% फाइव परसेंट एंड द रिमेनिंग वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर सिक्सटी तो ये लैंग्वेज है इंपॉर्टेंट ध्यान से पढ़ना हमारे पास डेटर्स डेबिट में आ जाएगा प्रोविजन क्रेडिट में आ जाएगा और जो सिक्सटी परसेंट डेटर्स हैं यानी फिफ्टी थाउजेंड का सिक्सटी परसेंट हो गया थर्टी थाउजेंड उसका हमें नाइन्टी फाइव परसेंट मिला है और बाकी का जो फोर्टी परसेंट है यानी बीस हज़ार रुपये उसको हमें सिक्सटी परसेंट पर रिलाइज़ किया है तो सोल्यूशन क्या रहेगा मैच कीजिए आप अपने आंसर से बाय कैश 50,000 का 60 परसेंट एंड उसका 95 फाइव परसेंट फिफ्टी का 40 परसेंट और उसका हमें मिला सिर्फ 60 परसेंट तो ये मैथमेटिकली इंक्लाइन क्वेश्चन है ज़्यादा नेक्स्ट प्लांट मशीनरी बुक वैल्यू जिसकी है वन लाख फिफ्टी वो मॉडगेज करी थी बैंक के पास यानी बैंक से लोन लिया था वो बैंक लोन लाइब्रेरी साइड पे था और प्लांट मशीनरी एस साइड पे थी इनको हमने क्लोज कर दिया होगा रिलेशन में तो रिलेशन के डेबिट में आ गया होगा मशीनरी और मॉडगेज जो बैंक लोन है वो रिलेशन के क्रेडिट में आ गया होगा बैंक ने सोल किया उसको वन का तो बाय बैंक कर देना और उसमें से फोर्टी फाइव हंड्रेड माइनस कर देंगे तो देखते हैं क्या रहेगा है सॉल्यूशन। तो ये हमारा आ गया मशीन रही है बैंक लोन सो so वन थर्टी फाइव में से हमें माइनस क्या करना है लोन का अमाउंट और फिर इंटरेस्ट का अमाउंट और वो रहेगा फिफ्टी 50, थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये है हमारा फाइनल आंसर

और नेट एसेट्स टर्न का फॉर्मला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट एसेट्स तो सबसे पहले इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं कैसे हमारा निकला आर और किस तरह से हमने निकाला नेट एसेट्स तो यहाँ पे वर्किंग नोट गिवन है सबसे पहले हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है शॉर्टकट फॉर्मला आपको पता ही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन हंड्रेड माइनस टैक्स रेट और यहां पर हमने दोबारा से इसको आपको शॉर्टकट करके दिखा दिया अब इंटरेस्ट इसमें ऐड करना है डिबेंचर्स का और बैंक लोन का दोनों इंटरेस्ट ऐड करने के बाद प्रॉफिट इंटरेस्ट टैक्स आ गया ट्वेंटी सिक्स फोर्टी लैक कैपिटल प्रोविट का फॉर्मला क्या रहेगा इक्विटी यानी इक्विटी प्रिफरेंस दोनों साथ में रिजर्व सरप्लस साथ में यानी डिवेंचर्स और बैंक लोन वो एड करके आ गया टू करोड़ फोर्टी लाख और वो हमने डिवाइड कर दिया ऊपर और आंसर ये टू करोड़ फोर्टी लाख है और आंसर आ गया हमारा ग्यारह लाख इसी तरह से अगर हम बात करें नेट एसेट्स टर्नओवर की तो रेवेन्यू रेवन्यू ऑपरेशन हमें गिवन है साथ में सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया अपॉन नेट एसेट्स यानी कैपिटल प्रोविट एंड द आंसर इज थ्री टाइम्स सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा डेट टू कैपिटल पॉइंट थ्री टू वन और चार ऑप्शन है अब हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं मान लीजिए डेट को थ्री लाख ले लीजिए और इक्विटी को ले लीजिए टेन लाख अब देखिए बताइए मान लीजिए यहाँ पे रिफंड ऑफ टैक्स आ गया वन लाख फिफ्टी तो उसका असर कहाँ पड़ेगा वन लाख फिफ्टी का इंपैक्ट कहाँ पड़ने वाला है तो इससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा प्रॉफिट इंक्रीज़ होने से हमारा क्या होगा क्या बढ़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा देखिए बताइए क्योंकि कैपिटल इंप्लाइड में इक्विटी आएगा तो हमारा इक्विटी का पोर्शन बढ़ जाएगा प्रॉफिट मिलेगा इक्विटी वालों को तो ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो इलेवन लैक फिफ्टी थाउजेंड हो जाएगा तो रेशियो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एट आ रहा है यानी तो यहाँ पे थ्री से कंपेयर करें थर्टी से ट्वेंटी सिक्स तो गिर रहा है तो वी विल से इट विल डिक्रीज येस सो नाउ द रेशियो विल डिक्रीज चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट अब गुड्स परचेज के क्रेडिट के ऊपर तो वो ना तो डेट है ना इक्विटी है तो उसका आंसर क्या रहेगा नो चेंज ऐसे क्योंकि दोनों पे असर नहीं पड़ा देन थर्ड पॉइंट कन्वर्जन और डिवेंचर इंटू इक्विटी शेयर्स तो डिबेंचर्स कन्वर्ट हुए शेयर्स के अंदर डेप गिर गया तो ऊपर का जो न्यूमेटर है वो गिर गया और किस में कन्वर्ट हो गया शेयर्स के अंदर तो देखा जाए नीचे कुछ भी चेंज नहीं हुआ कैपि एम्प्लॉयट में बिकॉज कैपिल इंप्लायट में डेप्ट और इक्विटी दोनों आते हैं नीचे देर इज नो चेंज तो यहाँ पर द रेशो विल डिक्लाइन क्योंकि हमारा डिवेंचर्स गिर गया है और लास्ट फोर्थ पार्ट लास्ट फोर्थ पार्ट सेल ऑफ बिल्डिंग कॉस्टिंग फिफ्टी फॉर थर्टी लाख अब आप देखेंगे यहाँ पर जो लॉस हो रहा है वो थर्ट ट्वेंटी लाख का लॉस हो रहा है तो उससे हमारी एक तरह से इक्विटी गिरेगी वैसे देखा जाए तो और अगर तो इक्विटी गिरेगी तो हमारा क्या हो गया कैपिटल इम्प्लॉयड कम हो रहा है और अगर हम एसेट साइड से देखें तो कैपिल इंप्लॉयड में एसेट्स आता है बिल्डिंग वो फिफ्टी लाख कम हो गया मगर कैश बढ़ रहा है थर्टी थाउजेंड से तो एसेट्स में भी कम हो रहा है हमारा ट्वेंटी लाख तो दोनों ही अप्रेज में हम देख रहे हैं कि हमारा डिक्रीज हो रहा है तो अगर कैपिटल इंप्लाय डिक्रीज करेगा तो आंसर क्या रहेगा आंसर हो जाएगा इंप्रूव फाइन डेट जबकि सेम है डेट में कोई भी चेंजेस नहीं है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के अंदर यहां पर है रुपीज फिफ्टी लाख ऑथराइज कैपिटल डिवाइड टू शेयर ऑफ टेन ही फाइव लाख शेयर्स और यहां पर है कंपनी ने इशू किए हैं टू लाख शेयर्स इसमें से एप्लीकेशन आई है हमारे पास वन लाख नाइन्टी थाउजेंड की एंड ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ टू ऑन सिक्स थाउजेंड शेयर द शेयर्स वर वोफिटेड एंड आफ्टर द फाइनल कॉल

एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहां पर सेकंड हेडिंग नहीं आएगी साय बिकॉज सारे के सारे शेयर्स उस कैटेगरी के, के फोफिट कर दिए हैं तो याद रखिएगा अगर कित किसी पे पर इन एरिया रह चाहे वो हज़ार शेयर हो दो हज़ार हो पाँच हेयर हो अगर वो सारे फोफिट हो जाए तो वो कैटेगरी हट जाएगी और जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव है उनपे जो फोफिट किया हुआ है वो अमाउंट एड हो जाएगी ऊपर सब्सक्राइब एंड फुली पेडअप में तो देखते हैं सोल्यूशन में तो यहां पर देखेंगे हमारा शेयर कैपिटल था फाइव लाख का इन टू तो हमने फिफ्टी लाख कर दिया उसके बाद ऑथराइज के बाद हमारा इशूड कितना है इशूड है टू लाख शेयर्स ऑफ टेन ट्वेंटी लाख अब बात करते हैं सब्सक्राइब की अब सब्सक्राइब के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि कितने लोगों ने हमें जो हमने फो किए थे वो माइनस करना है हमें छः हज़ार शेयर्स वन नाइन्टी में से. और कितने रीशो हो गए तीन हज़ार शेयर्स और एक शेयर है दस रुपये का तो मल्टीप्लाई हो गया एटीन लाख सेवेंटी थाउजेंड और जो शेयर्स अभी तक रीशू नहीं हुए यानी प्रोफिट के बाद रीशू नहीं हुए उनका जो प्रोफिट अमाउंट है आठ रुपए वो हमने ऐड कर लिया और वो है हमारा ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो कुल मिला के आंसर आ गया एटीन लाख नाइन्टी फोर तो ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन था जहां पर कि कॉल्सिन वाले सारे शेयर्स प्रॉफिट हो जाते हैं तो सेकंड हेडिंग नहीं आती बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं यहां पर विराट दक्ष एंड माधव ने बिजनेस स्टार्ट किया फिक्स कैपिटल है इनका फिक्स कैपिटल फिफ्टी फोर्टी थर्टी उन्होंने कहा रेशियो हमारा फोर थ्री थ्री होगा और इस साल उन्होंने प्रॉफिट कमाया 28,000 बिफोर थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10 परसेंट पर एनम हर एक पार्टनर ने दस हज़ार रुपये विदड्रा किया था और पार्टनर्स विद म्यूचुअल कंसेंट एग्री टू वाइंड अप द बिजनेस ऑपरेशन का हम वाइंड अप करते हैं उस दिन क्रेडिटर्स फिफ्टी फोर थाउजेंड थे एसेट्स रिलाइस गिवन है टू लाख टेन और एक्सपेंसिज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो यहाँ आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है और उसके बाद आपको रिलाइशन अकाउंट बनाना है तो देखते हैं सॉल्यूशन तो यहां पर जो जो आपको गिवन है पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस है क्रेडिटर्स गिवन है वो सब डाल दीजिए और ये आ गया सन्डी एसेस बैलेंस बुक वैल्यू तो बुक वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा उसके बाद आप देखेंगे क्रेडिटर्स गिवन फिफ्टी फोर थाउजेंड वा गया और एसेस रिलायस गिवन था तो वो बाय कैश में आएगा कई बच्चे इसको बुक वैल्यू लेकर टू लैक टेन यहाँ डाल देते हैं गलती कर देते हैं ये मत करना उसके बाद क्रेडिटर्स को ऑटोमेटिकली आपने पे करना ही है जब ना लिखो तो हमेशा पे करते हैं और रिलायंस एक्सपेंसिस थे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो अब टू लैस सिक्सटी फोर आ गया क्रेडिट साइड का माइनस कर दीजिए तीनों आइटम और प्रॉफिट आया ट्वेंटी सिक्स फाइव हंड्रेड और उसको बांट देंगे हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो ये था मैम बैलेंस शीट का क्वेश्चन नॉ क्वेश्चन नंबर इलेवन में हमें निकालना है इवेंट्री टर्न ओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टन ओवर रेशियो तो इन्फॉर्मेशन है कॉस्ट ऑफ मेटेर कंज्यूम परचेज ऑफ स्टॉक ओपनिंग इन्वेन्ट्रीज वन लाख फिफ्टी विच इज हाफ ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा रहेगा थ्री लाख उसका आधा हो गया वन लाख फिफ्टी इंटरसन बैंक लोन कैरेज इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं बैंक चार्जेस अदर करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज तो सबसे पहले देते हैं इन्वेंट्री टनो रेसो के हमें क्या क्या चाहिए हमें चाहिए होता है सी पी सी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस वी इज सी 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 कॉस्ट ऑफ मेटीरियल कंज्यूम जो स्टेटमेंट ऑफ पी एन में पहली तीन चीज आती है दूसरा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड तीसरा है चेंज इन इन्वेंट्री यानी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास एक ही है कैरेज इनवर्ड और उसके बाद लेंगे हम एवरेज इन्वेंट्री और वो रहेगा वन लाख फिफ्टी और प्लस थ्री लाख डिवाइड बाय टू तो देखते हैं सोल्यूशन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमारा आ रहा है कॉस्ट ऑफ मेटीरियल कंज्यूम परचेज ऑफ स्टॉक चेंज इन इन्वेंट्री एंड कैरेज इनवर्ड ये सब करके हमारा आंसर आ गया फाइव लाख सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो हमने ऊपर लिख दिया एवरेज इन्वेंट्री हमारा गया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय टू तो एवरेज इन्वेंट्री और आंसर आ गया टू पॉइंट फाइव टाइम्स अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल अनोरे उसका फॉर्मुला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू अपॉन वर्किंग कैपिटल तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तो वही रहेगा सेम और जो हमारा वर्किंग कैपिटल है दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट एबिलिटीज़ और हमें क्वेश्चन में गिवन है अदर करंट एसेट्स अदर करंट एसेट्स का मतलब ये क्यों एसेट्स हैं इसमें हमें इन्वेंट्री करना है बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कौन सी इन्वेंट्री ऐड करें ओपनिंग या क्लोजिंग तो हमेशा क्लोजिंग इन्वेंट्री बिकॉज ये सारे रेशो हम ईयर एंड पे निकाल रहे हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास है तो टू लैक ,00 ये प्लस थ्री लैख फाइव लैक इज द करंट एसेट्स तो फाइव लैक ,00 हमारे पास करंट एसेट्स हो गया तो फाइव लैक करंट एसेट्स करंट एबिलिटी थ्री लाख माइनस करा तो हमारा वर्किंग कैपिटल आ गया टू लाख तो रेशो वर्किंग कैपिटल टनो रेशो हमारा फाइव लैख सिक्सटी टू फाइव टू लैख टू पॉइंट एट टाइम्स फाइन और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर लास्ट ट्वेल्थ इसका नेट प्रॉफिट रेशियो हमारे पास है ट्वेंटी परसेंट कैश रेवेन्यू है हमारे पास फोर लाख क्रेडिट रेवेन्यू है हमारी सिक्सटी परसेंट ऑफ द टोटल रेवेन्यू सिक्सटी परसेंट टोटल रेवेन्यू और इट्स एक्सपेंसिस एंड अदर इनकम आर एज फॉलो ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है नॉन ऑपरेटिंग गिवन है नॉन ऑपरेटिंग इनकम और आपको फाइन करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो तो ध्यान से देखिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पॉज कीजिए और फिर वीडियो को सोल्यूशन देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए हमें बताना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू हमें टोटल रेवेन्यू नहीं गिवन हमें गिवन है सिर्फ कैश रेवेन्यू फोर लाख रुपीज और यहां मेंशन है क्रेडिट रेवेन्यू है हमारे पास फ्रॉम ऑपरेशन 60 परसेंट तो अगर क्रेडिट रेवेन्यू 60 परसेंट है तो कैश रेवेन्यू कितनी हो गई 40 परसेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू तो टोटल रेवेन्यू गिवन नहीं है उसको मान लीजिए x तो कैश रेवेन्यू कितना होगा कैश रेवेन्यू हो जाएगा 40 परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू 4 लाख और x हो जाएगा 4 लाख इन टू हंड्रेड बाई और ये हमारा आंसर आ जाएगा टेन लाख तो देखते हैं क्या हमारा रेवेन्यू टेन लाख का है येस हमारी रेवेन्यू टेन लाख है अगर रेवेन्यू टेन लाख आ गई है हमारी तो नेट प्रॉफिट रेशियो हमें गिवन था ट्वेंटी परसेंट तो हमने ट्वेंटी परसेंट निकाल देना है क्योंकि ट्वेंटी परसेंट हमारा नेट प्रॉफिट का परसेंटेज है तो ट्वेंटी परसेंट अगर हमें टेन लाख पे निकाल दिया तो हमारा आ जाएगा टू लाख नेट प्रॉफ़िट अब आप सब जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने एलेवंथ में बनाया होगा यहाँ नेट प्रॉफिट होता था यहाँ पर हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसिज होते थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते थे यहाँ हमारी होती थी ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम ठीक है तो अब नेट प्रॉफिट आपका टू लाख रुपीस है अब देखते हैं यहाँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको गिवन था वो ऐड कर देंगे 80,000 और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो है वन लाख सिक्सटी वो भी तो दोनों ये ऐड बैक कर देंगे और माइनस करेंगे हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम इस तरफ वाली है माइनस हो जाएगी तब हमें ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारी सिक्सटी गिवन है उसको माइनस कर दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया थी तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आराम से निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू और जो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो उसका फॉमूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं कैसे सेल्स सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट तो में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें क्वेश्चन में मेंशन था तो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले लिया और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना मेंशन था हमारे पास वन लाख सिक्सटी थाउजेंड तो ये भी ले लिया तो हमारा दूसरा फॉर्मुला भी निकल जाएगा आराम से जो ऑपरेटिंग रेशियो का होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू इंटू हंड्रेड तो ये भी हमारा निकल गया सो आई होप ये ट्वेल्व क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका फोर मार्क का भी जो है आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आप आराम से फोर मार्क्स के कर पाएंगे तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने के लिए ये एग्जाम टाइम सीरीज़ मैंने आपको दी थी तो ये थी फोर मार्क की और अब लास्ट बची है, हमारी सिक्स मार्क की जो आप बाकी बचे हुए टाइम में आराम से कर लेंगे तो भी मैं जल्दी शेयर करूँगा डॉक्यूमेंट तब तक आप इसको सॉल्व कर लीजिए सो so, और अगर ये एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब और मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ